जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने हेतु उनके सम्मुख हनुमान चालीसा पाठकर उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाकर उनके हाथों असंभव से असंभव कार्य कराए जाने का उल्लेख रामायण में मिलता है। बस यही कार्य करने हेतु तथा जनता के बीच पहुंचकर जनता चालीसा सुनाने मैं आया हूँ। यह महाराष्ट्र की जनता है जिनके रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त दौड़ता है। यह माँ जिजाऊ छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमि है। यह महाराष्ट्र की जनता है जो आग में आग डालकर सच बोलने की हिम्मत रखती है। बस मैं आपसे आपके सवाल जो आपने खुद चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा सरकार से पूछने चाहिए, बस वही जनता चालीसा के माध्यम से आपको आपकी शक्ति याद दिलाने आया हूँ। ऐसे विचार अशोक वानखेड़े जिन्हें निर्भय बनो विचार मंच द्वारा आयोजित शासनाचे सामाजिक कर्तव्य इस विषय पर आयोजित आयोजन में व्यक्त किए। निर्भय बनो विचार मंच द्वारा शहर के गांधी चौक में आयोजित आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार संपादक जिन्हें पत्रकारिता का टाइगर नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्होंने विदर्भ के यवतमाल जिले से निकलकर देश की राजधानी में अपनी अलग पहचान बनाई है, ऐसे अशोक वानखेड़े ने अपने शहरी में राज्य तथा केंद्र सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए उपस्थित प्रत्येक श्रोताओं से अनुरोध किया कि ईवीएम की बटन दबाते समय इस बात का ध्यान रखो कि हमें उन्हें चुनना है जो गरीबों के उत्थान की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो महंगाई पर बात करे, ना कि जो बिन मांगे बहनों को हर महीने नहीं तो दो महीने आगे की किश्तें राज्य को गिरवी रख कर देकर चुनाव जीतने का सपना देखने वाले 50 खोखे सब ओके वाले मुख्यमंत्री हो या खुद को देवा समझने वाले देवा भाव हो। केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में विफल हो रही है। अदानी अंबानी की सरकार है और महाराष्ट्र राज्य में तीन पहिये वाली सरकार है, और क्यों ना हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद ऑटो चालक ही थे और इनके इस ऑटो में बैठे अमित शाह महाराष्ट्र की सभी बड़ी योजनाएं गुजरात ले जाई जा रही है। ये समय परिवर्तन का है और आप सभी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहे, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा ही परिवर्तन तथा बदलाव का पुरोधा रहा है। मैं महाराष्ट्र की जनता से अनुरोध करता हूँ कि संयम तथा धैर्य के साथ अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का विचार अवश्य करें। ऐसे विचार इस अवसर पर व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल पत्रकारों की जननी है। पत्रकार वही है जो आम जनता के सवालों पर लिखे। सत्ताधारी तथा अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर निर्भयता से सवाल जवाब कर जनता को न्याय दिलाने का कार्य करे। चाटुकारिता को पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। देश में सच्चे पत्रकारों के हालात काफी चिंतनीय है। उसे अपनी कलम से बदलने की शक्ति रखने वाला ही असली पत्रकार होता है। ऐसे विचार इस अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर निर्भय बनो विचार मंच के संस्थापक प्राध्यापक साहिबराव विरखरे, विनोद जैन, शंकर राव आगलावे, प्राध्यापक बर्डे सर प्रमुखता से उपस्थित थे। वहीं दुर्गा उत्सव के आयोजन हेतु शहर पहुंचे क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार ने आम श्रोताओं के साथ बैठकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के विचार गौर से सुने। यह विशेष है। आयोजन का संचालन किशोर ढूंढेले ने किया। वहीं आयोजन के सफलता युवा समाज सेवी मनोज बसवार, अश्विन कारुकार, श्रीजय देशमुख, चंदू कामदार, अजय महाजन, रुपेश कमाले आदि ने परिश्रम किया। जेवढे चॅनलमध्ये पैसे मिळतात त्याच्या जास्त पैसे मिळतात आज लोकांना बातम्या पाहिजे, लोकांना विश्लेषण पाहिजे, लोकांना सत्यता जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा आहे, ते आपल्याला देता आलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, पत्रकारिता मध्ये आपण जन्माला आल्यावर आकाशवाणी झाली नव्हती, पत्रकारिता ती आली। काही प्रोफेशन असे आहेत गाडी जात नाही, ग्रामीण क्षेत्रातून आलेलं आहे, बोलवय आमचं गाव आहे, पुढे सैनिक शाळेत शिकून इंदोरला मी पत्रकारिताला सुरुवात केली आणि आता दिल्लीला 30 वर्षापासून स्थायिक आहे। हे याच मी दुर्भाग्य मानतो पत्रकारितेच, कि पत्रकार कोणी पत्रकार जर पत्रकारिता करत असेल तर तो सेलिब्रिटी होतो या देशात, हे पत्रकारितेचं दुर्भाग्य। मी जे करतोय ते काही एक्स्ट्रा करत नाही, जे पत्रकाराला करायला हवं तेच करतो। पत्रकाराला जनतेच्या वेदनांना शब्द द्यायचे असतात, समस्या उठवायच्या असतात, आणि जो कोणी सत्यत असो त्याला प्रश्न विचारायचे असतात, हे पत्रकाराचं काम असत। कोणी चांगलं काम करत असेल समाजाचं
त्याला हायलाइट करून त्याला एक रोल मॉडेल समाजासमोर सादर करण्याचा प्रयत्न आपण करतो. जेव्हा जो पत्रकार समाजामध्ये समाजाचे प्रश्न जेव्हा उचलला जाते त्यावेळेला त्याच्यावर शासकीय आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून इतकं जास्त दडपण आणलं जातं की तो शेवटी हतबल होऊन जातो आणि शेवटी एकतर पत्रकारितेला राम राम घेऊन घेतो किंवा तो कुठेतरी डावलला जातो. मी बिलकुल तुमच्या या व्यथेबद्दल मला आस्था आहे आणि मी हे बोलतो. मी दिल्लीत असतो पण ग्रामीण भागात सर्वात जास्त त्याचे पत्रकार पीडित होत असतील आणि खरी पत्रकारिता मी नेहमी कुठे जरी असतो तरी मी नेहमी म्हणतो खरी पत्रकारिता या देशामध्ये जर होत आहे तर ती ग्रामीण क्षेत्रात होत आहे. पण आम्हाला बरेचसे कवच आहे म्हणून आम्हाला कवच आहे एक वलय आहे त्यामुळे तो प्रेशर. एनबीसी न्यूज के लिए सांगली से किशोर ठुंडेली की रिपोर्ट.